अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अब्दुल वाजिद। आज हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 4 क्लास 10th पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4, 9x माइनस 7 ओवर एक्स प्लस 3 राउंडी ब्रैकेट ऑन ऑफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसको डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लेट क्या बनेगा हमारे पास, 9x माइनस 7 ओवर एक्स प्लस 3 राउंडी ब्रैकेट ऑन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 राउंडी ब्रैकेट ऑन ऑफ इज इक्वल ए ओवर एक्स प्लस 3। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इधर एक्स का स्क्वेयर है, अब हम क्या लिखेंगे इसको, बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1। जी, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको इसके डिनोमिनेटर के साथ, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई। एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 मल्टीप्लाई 9x माइनस 7 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 मल्टीप्लाई ए ओवर एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब इस स्टेप के ऊपर नेक्स्ट हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कटिंग हो रही है हमारे पास, ये टोटल रकम इस टोटल रकम के साथ कैंसिल और इधर से एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 के साथ कैंसिल और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 के साथ कैंसिल। रिमाइंडर हमारे पास क्या रह गया डियर स्टूडेंट्स, 9x माइनस 7 इज इक्वल इधर से ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी राउंडी ब्रैकेट ऑन ऑफ एक्स प्लस 3। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम देंगे, 1 का। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए को भी बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे और बी एक्स प्लस सी को भी एक्स प्लस 3 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा हमारे पास, ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस, अब बी एक्स बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स स्क्वेयर प्लस 3 बी एक्स और सी को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, सी एक्स प्लस 3 सी। नेक्स्ट अब हम इसको अरेंज कर लेंगे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स स्क्वेयर यानी कि एक्स स्क्वेयर वाली फर्स्ट पे, फिर एक्स वाली 3 बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए, अब कांस्टेंट वैल्यू जो हमारे पास जिनके साथ एक्स नहीं है वो लिख ली। अब हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स स्क्वेयर में से डियर स्टूडेंट्स क्या कॉमन आया, एक्स स्क्वेयर, ए प्लस बी कॉमन एक्स स्क्वेयर। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, एक्स 3b प्लस सी रिमाइंडर एक्स, अब ये एक्स का क्या बन गया कोफिशेंट, अब हम इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस 3c राउंडेड ब्रैकेट ऑन ऑफ एक्स नॉट। एक्स नॉट मीन डियर स्टूडेंट्स अगर बेस की पावर हमारे पास जीरो हो तो आंस इसका कितना होता है 1। अब इसका मतलब ये हमारे पास ये कौन सी वैल्यू है, कांस्टेंट। अब हम इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम देंगे, 2 का। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम जीरो मेथड यूज करते हुए एक्स प्लस 3 को इज इक्वल 0 रखेंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी। अब इसको हम इक्वेशन नंबर किस में पुट कर देंगे, 1 में। लिख देता हूं
put x plus 3 is equal 0 implies that x is equal minus 3 in equation number 1. क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास x की जगह पर हमने क्या पुट करना है, माइनस 3, और कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में 9 इंटू माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल a इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू x की जगह पर माइनस 3 प्लस c इंटू माइनस 3 प्लस 3. अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ये प्लस का 9 माइनस के 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 27 माइनस 7 इज इक्वल a इंटू बेस माइनस में पावर इवन में जो आ प्लस में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1. नेक्स्ट माइनस का 3 प्लस का 3 डियर स्टूडेंट 0, और ये टोटल रकम क्या हो गई है 0. अब माइनस का 27 और माइनस का 7 इज इक्वल कितना आया, माइनस का 34 इज इक्वल 10a. 10a कैसे बना डियर स्टूडेंट्स, 9 प्लस 1 इज इक्वल 10, 10 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 10 को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास 10a. अब a के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड. नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, माइनस 34 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल a. अब कटिंग हो रही है 2 के ऊपर, 2 के ऊपर कटिंग कर देते हैं, ये कितना आ गया 17 और ये कितना आ गया 5. अब हमारे पास a की वैल्यू का आंसर आ गया माइनस 17 ओवर 5. ये हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली. अब b और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 की तरफ जाना पड़ेगा. इक्वेटिंग कोफिशेंट क्या होगा हमारे पास, अगर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट जो है वो इक्वल करते हैं, इधर हमारे पास ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली डियर स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट हम इक्वल रखें आपस में, और हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, हम एक्स का कोफिशेंट जो है इधर से और इधर से एक्स का कोफिशेंट कितना है 9, हम इनको इक्वल रखेंगे तो हमारे पास इधर से किसकी वैल्यू आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, सी की. टू फाइंड B and C equating coefficients of x square and x on both sides, कौन सी equation, equation number 2. अब हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल, अब इधर एक्स स्क्वायर नहीं है इसलिए ये किसके इक्वल है, जीरो के. नेक्स्ट अब एक्स का कोफिशिएंट 3b प्लस सी इज इक्वल, इधर एक्स का कोफिशिएंट डियर स्टूडेंट्स कितना है 9. अब हमने इसके अंदर वैल्यूज जो है वो पुट कर देनी है, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है माइनस का 17 ओवर 5, ए इज इक्वल माइनस 17 ओवर 5, क्या बनेगा माइनस 17 ओवर 5 प्लस बी इज इक्वल 0. अब नेक्स्ट ये माइनस का 17 ओवर 5 दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, प्लस का बी इज इक्वल 17 ओवर 5. ये हमारे पास b की वैल्यू फाइंड हो गई. अब नेक्स्ट यही b की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो इधर से हम क्या वैल्यू फाइंड करेंगे, c की, क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज b इज इक्वल 17 ओवर 5, 3 इंटू b की जगह पर लिखा 17 ओवर 5 प्लस c इज इक्वल 9. अब 3 को 17 के साथ मल्टीप्लाई किया 51 ओवर 5 प्लस c इज इक्वल 9. 15
51/5 इधर प्लस का, दूसरे में जाके माइनस का, 9 - 15 1/5। अब हमने इसका क्या लिया, एलसीएम, एलसीएम डियर स्टूडेंट कितना आया, 5, 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 45 - 51 इज इक्वल -6/5 हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड होगी डियर स्टूडेंट, सी की। अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे, रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर क्या बनेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास कितनी फाइंड हुई है, माइनस का 17/5/(x+3) प्लस आगे बी की वैल्यू हमारे पास कितनी फाइंड हुई है, 17/5 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू हमारे पास डियर स्टूडेंट फाइंड हुई है -6/5/(x²+1)। अब हम इसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स, माइनस का 17/5 एज इट इज (x+3) प्लस, अब ये 17x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 17x/5 जमा माइनस -6/5 डिनोमिनेटर में x+1। अब नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, माइनस का 17/5 एज इट इज (x+3) आगे प्लस, अब हमारे पास 17x/5 -6/5 का एलसीएम हम लेंगे, प्लस एलसीएम हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसका कितना आएगा, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, एलसीएम भी 5 ही आएगा और नॉमिनेटर एज इट इज लिखे जाएंगे 17x और माइनस का 6/(x²+1)। अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, माइनस के साथ -17/5 5 के डिवाइड हो रहा है 17 के साथ और नीचे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई -17/5 (x+3)। नेक्स्ट अब इधर प्लस, अब ये 5 भी डिवाइड हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 17x माइनस का 6 (5)(x²+1)। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसका आंसर लिख देंगे, हेंस क्या बनेगा हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर 9x-7/(x+3) राउंडिंग ब्रैकेट ऑन ऑफ (x²+1) राउंडिंग ब्रैकेट ऑन ऑफ इज इक्वल, ए की जगह पर हम लिखेंगे यानी कि जो पार्शियल फ्रैक्शन बने हैं वो लिख देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन ये है हमारे पास -17/5(x+3) प्लस 17x-6/5(x²+1)। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अच्छे से समझ लग गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।